पाठ्यक्रम के लिए सिलेबस के लिए परीक्षा के लिए आवश्यक है। तो कल के अवधि में हमने रविदास कवि जो रविदास के नाम से भी जाने जाते हैं, जो जाति से चमार होने के बावजूद भी ढेर सारे पदों की रचना की और इनके लिखे द्वारा पद सिखों का जो पवित्र धार्मिक ग्रंथ है गुरु ग्रंथ साहिब में 40 पद इनके नियुक्त है, मतलब उसमें मौजूद है। तो ऐसे महान कवि जिन्होंने दो पदों को लिखा है और इनकी भाषा ब्रज भाषा थी और जीवन काल भी हमने देखा 130 इनका जीवन काल है और इनसे जुड़े हुए ढेर सारे अलग से बातें हमने जानी है। कबीरदास ये भी महान संत कवि है, रविदास और कबीरदास दोनों सहपाठी और इनके गुरु थे रामानंद और भक्ति काल के एक और कवयित्री है जिनका नाम है मीराबाई। मीराबाई इनकी शिष्या थी, शिष्य जैसे हम लोग कुलिंग है, शिष्य स्त्रीलिंग होता है बच्चों शिष्य, उसी प्रकार छात्र कुलिंग है, छात्रा स्त्रीलिंग, विद्यार्थी पुल्लिंग है, क्या होता है विद्यार्थी, ऐसे ढेर सारे शब्द, मतलब शिष्य जो शिष्य थे मीराबाई यानी रविदास उनके गुरु थे। ढेर सारी बातों को हमने जाना, ब्रज भाषा थी इनकी और ये विक्रम तीर्थ यात्रा मूत्री मूर्ति पूजा या फिर ऐसे ढेर सारे जो आडंबर पूर्व जो दिखावे बाजी की भक्ति थी जो लोग उसका आचरण करते थे उनका विरोध इन्होंने किया। आगे दो अंशों में दो गद्यांश हमने देखा, दो गद्यांश बचे हुए थे उसको मैं आगे बढ़ाना चाहता हूँ बच्चों। यहाँ आवाज क्लियर है, आवाज स्पष्ट है, यहाँ रविदास के दो पद लिए गए हैं बच्चों, कई सारे पद उनमें से दो पदों को लिया है। पहले पद प्रभु जी तुम चंदन हम पानी में कवि अपने आराध्य को याद करते हुए उनसे अपनी तुलना करता है, उसका प्रभु बाहर कहीं किसी मंदिर या मस्जिद में नहीं विराजता वरन उसके अपने अंतस में सदा विद्यमान रहता है, यही नहीं वह हर हाल में हर काल में उससे श्रेष्ठ और सर्वगुण संपन्न है, इसलिए तो कवि को उन जैसा बनने की प्रेरणा मिलती है। प्रस्तुत कर्द के अंश में ये बता कि उनका जो प्रभु है वे कहीं मंदिर मस्जिद में नहीं बसा है, वे उनके अंतस में उनके अंतर आत्मा में उनमें ही बसा हुआ है। तो यहाँ पे प्रभु जी तुम चंदन हम पानी कभी अपने आराध्य को, आराध्य मतलब जो पूजनीय होते हैं आराध्य, जैसे हम माता पिता की पूजा करते हैं, जैसे गणेश भगवान की पूजा करते हैं, ऐसे लोगों को पूजनीय कहते हैं आराध्य। तो इनके आराध्य कौन है, उनके भगवान है। याद करते हुए उसने अपनी तुलना, तुलना मतलब अपने आप को जैसे अंग्रेजी में कंपेयर करना, मतलब प्रभु भगवान क्या है और उनके सामने भक्त क्या है, तो उसके बारे में पहले पद में कवि रविदास बता रहे हैं। उसके बाद में उसका प्रभु बाहर कहीं किसी मंदिर या मस्जिद में नहीं विराजता, विराजता मतलब रहना, वहां पर उपस्थित होना बच्चों विराजना, वरन उसके बजाय वे अंतस में यानी कवि के अंतस में कवि के अंतर आत्मा में ही उनके प्रभु उनके भगवान बसे हुए हैं, विद्यमान है, वहां पे रहे हुए हैं। आगे बच्चों यही नहीं वह हर हाल में हर काल में उससे श्रेष्ठ और सर्वगुण संपन्न है, इसलिए तो कवि को उन जैसा बनने की प्रेरणा मिलती है। यस, कवि चाहता है कि फिर भगवान जैसा, मतलब भगवान जैसा कोई बन नहीं सकता, लेकिन वे ऐसे सोच रहे हैं कि उनके समान बने या फिर उनके दास बने या फिर उनका सेवक बने, उनकी सेवा करें और दिन रात उनकी पूजा उपासना करता रहे, ये कवि की मनोकामना है, कवि की मन की इच्छा यह है। लेकिन भगवान सर्वश्रेष्ठ है, सबसे सबसे बढ़कर, ये हवा पानी सूरज चांद ये पेड़ पौधे जो भी पृथ्वी पर है बच्चा उस पर सब काबू करने वाले भगवान है, मतलब वो सब उनके संतुलन में होते हैं, ये सब उनके कंट्रोल में होते हैं भगवान की, तो वे सर्वगुण संपन्न है यानी नीच को भी ऊंच बना सकते हैं, ऊंच को भी नीच बना सकते हैं, बड़ा साहूकार है उसको भिखारी बना सकते हैं, बड़ा भिखारी उसे साहूकार राजा भी बना सकते हैं, तो ये भगवान के अंदर क्या मतलब काबिलियत है, वो ताकत रखते हैं, क्षमता रखते हैं।
तो दूसरे वशिष्ठ, दूसरे पद में क्या बताते हैं यहाँ पे, दूसरे पद में भगवान की अपार उदारता कृपा और उनके समदर्शी स्वभाव का वर्णन है। क्या बताते हैं बच्चों, कहते हैं कि भगवान ने तथा कथित निम्न कुल के भक्तों को भी सहज भाव से अपनाया है और उन्हें लोक में सम्मानीय स्थान दिया है। दूसरे पद का भावार्थ इस प्रकार है बच्चों, यानी भगवान उदार है। उदार का मतलब क्या होता है, जैसे बड़ा दानी होता है जो हर किसी को दान करता है, मतलब कुछ जिसे करना, जैसे का एग्जाम्पल महाभारत से करना, जैसे कि उसके खुद का जो कवच था, कवच को भी उसने क्या कर दिया, दान कर दिया। वो कवच की ऐसी महत्वता थी बच्चों की, अगर वो कवच उसके शरीर से निकल गया तो आराम से कोई भी उसे मार सकता था। कर्ण सारे पांडवों का बड़ा भाई भी कहा जाता है, लेकिन वो कौरव में मिला होता बच्चों, लेकिन दान देने में बहुत उदार, बहुत बड़े बन वाला था। जो भी भिक्षुक हो, जो भी कोई उसके द्वार पर आता था, कोई उसके राजमहल में आता था, तो कुछ ना कुछ में उन्हें दान करके भेजता था। तो इसीलिए दानवीर कर्ण कहते हैं। शायद टेलीविजन पर उसकी कहानी भी चल रही है आजकल, मतलब एक सीरियल भी आता है मतलब कहानी उसकी, तो इतने महान थे। तो उदार ऐसे लोगों को कहते हैं जो बहुत बड़े दानी होते हैं। बाकी कृपा जो है बच्चों, मतलब जो सब पे ग्रेस कहते हैं, कृपा ग्रेस मतलब सबको आशीर्वादित करना, कृपालु रहना, सबको ब्लेसिंग्स देना, उस जो भगवान होते हैं या फिर हमारे मम्मी पापा गुरुजन, ये सब कृपालु होते हैं हम पर। उनके संघर्ष स्वभाव का वर्णन है, प्रशंसा की है, वर्णन मतलब प्रशंसा करना या विवरण देना भी कहते हैं वर्णन। प्रशंसा का और एक शब्द वर्णन तो है वहां पे, तारीफ भी हम कहते हैं, तारीफ करना, वर्णन करना, प्रशंसा। तो समदर्शी स्वभाव का वर्णन है, समदर्शी बच्चों सभी को समान रूप से देखने वाले। जैसे कि अब हमारे भारत देश का उदाहरण ले लो, यहाँ पे ढेर सारी जात पात, मतलब एक ही जात में अलग अलग फिर पंक्ति होते हैं, पंगड़ होते हैं, तो वो लाइन के हम, ये लाइन के हैं, तो इस प्रकार अनेक धर्म के लोग होते हैं, गरीब भी हैं, अमीर है, राजा है, रंक है, भिक्षुक है, सब तरह के लोग यहाँ पे उपस्थित हैं बच्चों पूरी दुनिया में। लेकिन भगवान जो है उन सभी को एक समान भाव से, उसके सामने ना कोई अमीर है, ना कोई गरीब है, ना कोई ऊंच जाति का है, ना कोई नीच जाति का है, तो कुल में भी कोई वह ऊंच नीच नहीं करता, सबको समान रूप से देख रहा है। इसलिए ऐसे भगवान को समदर्शी कहते हैं, मतलब समानदर्शी मतलब देखने वाला। स्वभाव का वर्णन है, रविदास कहते हैं कि भगवान ने तथाकथित निम्न कुल के भक्तों को भी सहज भाव से अपनाया है और उन्हें लोक में सम्मानीय स्थान दिया है। बच्चों भक्ति काल का जो अवधि है तो वहां पे जात पात के ढेर सारे भेदभाव हुआ करते थे, लोग अपने आप को बहुत महान माना, कुछ लोगों को क्या एकदम निम्न एकदम नीचे कुल के लोग माना, तो ऐसे चमार जाति मतलब क्या बच्चों, नीच कुल ही माना जाता था, जब जूते और चप्पल बनाने का काम क्या करते थे। ऐसे लोगों से बोलना भी लोग क्या समझते थे, एक पाप समझते थे, उन्हें छूना तो दूर की बात, उन्हें स्पर्श करना तो दूर की बात, उन ऐसे लोगों से बात करना भी लोग एकदम निम्न मानते थे, तुच्छ मानते थे बच्चों। तो उसके बावजूद तो यहाँ पे बताते हैं, मुझ जैसे चमार जाति के निम्न कुल के तुम आदमी को महान संत बनाया, रहेगा संत बन गए और उनके दोहे गुरु ग्रंथ साहिब में आए, तो इससे बढ़कर कृपा कौन करेगा। इसलिए प्रभु की महिमा, प्रभु की लीला दूसरे पद में कवि ने दर्शाया। तो इसलिए आप बताते हैं तथा कथित, यानी जो विवादास्पद इन जाति के लोगों को क्या करते थे लोग, तुम निम्न हो, तुम नीच हो, ऐसे मानते थे, लेकिन ऐसे लोगों को भी प्रभु ने सहज भाव से अपनाया, सहज तुम सीधे साधे सरल भाव से अपनाया और उन्हें ऊंची पदवी दिलाई, राजा ने सब पद दिला नहीं। राजा कितने राजा मर गए इतिहास में, कोई उन्हें याद भी नहीं करता, लेकिन रविदास को याद करें मतलब कितनी महान पदवी उन्हें दी है भगवान। इसीलिए कहते हैं उनका प्रभु है, हम सबका प्रभु, हम सबके जो भगवान है बच्चों, वे सर्व समर्थ हैं, सब कुछ कर दिखाने की काबिलियत उनके अंदर होती है। तो ये क्या है बच्चों, रविदास का संक्षिप्त जीवन परिचय था, साथ ही साथ उनके दोहों में आया गया थोड़ा बहुत वर्णन था बच्चों। बताते हैं रविदास तो हमेशा संतों के साथ में रहा करते थे, जो भी संत उनके यहाँ पे आते थे या फिर उनके साथ में मिलना, उनके साथ में बैठना, उठना, बातें करना, ये बहुत पसंद करते थे। साथ ही साथ और फिर चमार का काम तो करते थे, जूते बनाते, चप्पल बनाते थे, कोई संत अगर उनके दुकान में आए, उनके घर पर आए तो वो फ्री ऑफ कास्ट
मुफ्त में ऐसे क्या करते थे, जूते और चप्पलों को दे देते, उनकी सेवा करते थे। इससे क्या हुआ, उनके मम्मी पापा उनके माता पिता बहुत क्रोधित हुए। ये जो काम काज करता है सब क्या करता है, संतों को ही लुटा देता है, कुछ काम नहीं करता। इसलिए उन्होंने क्या किया, उनकी पत्नी और उन्हें दोनों को घर से बाहर निकाल दिया। इसके बावजूद भी उन्होंने अपनी हिम्मत नहीं हारी बच्चों, फिर घर के उनके बगल में छोटी सी कुटिया बना झोपड़ जैसे घास के बना देते लोग पहले ग्रास, तो उसे कुटिया करके बनाकर वहीं पर रहने लगे। फिर भी उन्होंने संतों में साथ में रहना करना, फिर एक तरह का कमिटमेंट बच्चों की जो काम में लेती थे तो उसी समय में लौटा देते थे। फॉर एग्जाम्पल कल मैंने होमवर्क दे दिया, बहुत सारे लोगों ने उसी समय पे दे दिया जो समय भी मैंने तय किया था उसके अंदर, तो वे क्या था, गलत बात है बच्चों। नहीं, जो टास्क हमें दिया जाता है बच्चों उस टास्क में उसी समय पे पूर्ण करें, ये अच्छे लोगों में क्या होता है गुण। फॉर एग्जाम्पल एक दर्जी है, दर्जी में जो कपड़े सिलाई करता है, दर्जी एक टेलर है, उसके सामने आप उसके पास अपने कपड़े डाल दें, उसने क्या किया 7 दिनों के बाद आप ले जाएंगे। जब 7वें दिन हम जहाँ पहुंचे तो अभी तक हमारे ड्रेस बना नहीं था, तो ये दर्जी का क्या बताता है बच्चों, ये मतलब सर गुण नहीं, ये मतलब वादे के मुताबिक वो चलता नहीं। लेकिन रैदास ऐसे नहीं, वादे के मुताबिक चलते थे, जो लोगों को काम में बताते थे उसी समय पर करके निपटा देते थे। तो ये क्वालिटीज, ये विशेषता है उनके अंदर थी बच्चों, जो बहुत महानता में परिवर्तित हो गई। तो हमें भी चाहिए छोटे छोटे कामों को बड़े अद्भुत शैली में अद्भुत ढंग से किया करें, यही छोटे छोटे गुण क्या होते आदमी को महान व्यक्ति में बना देते हैं। तो ये तो संक्षिप्त जीवन परिचय रैदास का, हम बढ़ते हैं कविता की ओर। प्रस्तुत पद में दो अलग अलग पद हैं, दो भिन्न भिन्न पद है, एक नंबर भी दिया है उन्होंने, दो नंबर भी दिया है। तो एक नंबर का पद मैं वाचन करूंगा। इफ यू हैव टेक्स्ट बुक, अगर आपके पास पुस्तकें हैं किताबें हैं तो उन्हें खोलिए बच्चों, और ध्यान पूर्वक उन पंक्तियों के देखिए जो मैं पढ़ने जा रहा हूं। पद नंबर एक, अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग वास समानी, प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। तीसरी पंक्ति बच्चों, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरई दिन राती, जाकी ज्योति बरई दिन राती, प्रभु जी तुम मोती हम धागा, प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोना ही मिलत सुधागा। आखिरी पंक्ति बच्चों, प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रे दासा। ये तो बच्चों पहला पद। अब दूसरे पद में क्या बताते हैं कवि, ऐसी लाला तुझ बिनु कौन करे, ऐसी लाला तुझ बिन बिनु कौन करे, गरीब निवास गुसैया मेरा माथे छत्रु धरे, जाकी छोटी जगत को लागैता पर तू ही डरे, नीच वो ऊंच करे मेरा गोविंद तो काहू ते न डरे, नाम देव कबीर तिलोचनो सदना सैनु तरे, कही रविदासो सुनो रे संत हु हरि जीव ते सभी सरे। त्रेत बच्चों दो पद जिसके अंदर 5-5.5 पंक्तियां दी गई है। तो इससे पहले क्या करें बच्चों, ब्रज भाषा में लिखी गई एक पद ये कविता हम लोगों को आसानी से समझ में नहीं आएगी, इसलिए हम लोगों को चाहिए कि इनके शब्दार्थ नए शब्द जो टिप्पणियां आपकी दी गई बच्चों उसको एक बार देखते हैं, फिर बाद में हम लोग कविता की ओर आते हैं बच्चों। पहला बास यानी गंध, वास जैसे बू भी कहते हैं, सुगंध खुशबू बदबू, बू गंध सुगंध दुर्गंध वास, ये भी वास। समानी मतलब समाना यानी उसके अंदर निहित होना, सुगंध का बस जाना बसा हुआ समाहित हुआ, जैसे कि एक परफ्यूम है जैसे इतर है, जैसे हमारे क्लॉथ में हमारे कपड़ों में हम लगाएंगे तो वे हमारे कपड़ों में समा जाती है, हमें आ जाती है जो शाम तक या फिर एक दिन तक हमारे पास में सुगंध कर देती है। बच्चों घन यानी बादल क्लाउड्स, मोरा यानी मोर पक्षी मयूर, उसके बाद चितवत यानी बच्चों देखना निहारना निरखना,
अवलोकन करना। चकोरे ने बच्चों तीतर की जाति का एक पक्षी है जो चंद्रमा का परम प्रेमी माना जाता है। लाइक तीतर, तीतर आप देखे जैसे कि ऐश कलर, जैसे कि कन्नड़ में से बूदी कहते हैं, हिंदी में राख, राख के रंग होता है। इसके ऊपर अलग अलग सिकल टिकलियां होती है, अलग अलग तरह का उसका डिजाइन होता है। बाती यानी बत्ती, रुई कॉटन की बनी बत्ती, पुराने कपड़े आदि को ऐंठ कर या बटक कर बनाई हुई पतली पूनी जिसे तेल में डालकर क्या करते हैं, दिया जलाते हैं, उसे बाती कहते हैं। ज्योति यानी बच्चों जो दीप से या फिर किसी मोमबत्ती कैंडल से निकला हुआ अग्नि का जो अंग होता है उसे ज्योति कहते हैं। देवता के प्रत्यर्थ जला जाने वाला दीपक। बरह यानी बच्चों बढ़ना, बढ़ाना या फिर जलना, पर ही रात्रि बच्चों रात्रि नाइट्स। नेक्स्ट है सुहागा। सुहागा एक प्रकार का पदार्थ है बच्चों जो सोने को शुद्ध करता है, उसे खड़ा करता है, जैसे कि सोने को शुद्ध करने के लिए प्रयोग में आने वाला क्षार द्रव्य बच्चों। दासा, दासा यानी दास सेवक। लाल यानी स्वामी, प्रभु, ईश्वर, परमात्मा। कौनु काम, गरीब निवाजू, गरीब निवाजू का तात्पर्य बच्चों जो दीन दुखियों पर दया करने वाला, उन पर करुणा करने वाला, कृपा बरसाने वाला। गुसैया, गुसैया का मतलब है स्वामी या गुसाई, गोसाई भी कहते हैं। माथे यानी माथे छत्र धरे यानी मस्तक पर, यानी फोरहेड, जो हमारा मस्तक है फोरहेड बच्चों पर स्वामी होने का मुकुट धारण करता है। मुकुट मतलब जिससे मुख है हमारा धारण करने, उसको इमेज, उसको ले लेना, उसमें समाय करना। छोटी मतलब बच्चों छुआछूत यानी अस्पृश्यता, अनटचेबिलिटी जो पहले दौर में थी बच्चों, अनटचेबिलिटी। जगत को लागई, संसार के लोगों को लगती है, सब लोगों को ऐसे लगता है। ता पर तू ही धरे, उन पर तू ही द्रवित होता है, तू ही कृपालु होता है। नीच वो ऊंच करे, इसका मतलब बच्चों नीच को भी ऊंची पदवी प्रदान करता है, मेरा भगवान, मेरा परमेश्वर। तो बच्चों कुछ संतों के नाम है यहाँ पर, उन वे क्या काम कर देते हैं उसके बारे में दिया है। नाम दे बच्चों बेसिकली फ्रॉम महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के एक प्रसिद्ध संत है नामदेव, और संत तुकाराम भी आते हैं, संत तुकाराम, ऐसे कई सारे भक्त भी आते हैं। इन्होंने मराठी और हिंदी दोनों भाषाओं में रचना की। रैदास जी भी वे क्या है संत थे बच्चों, इन्होंने हिंदी और मराठी में भी क्या क्या रचनाओं को रचा, पदों को लिखा है। त्रिलोचन यानी त्रिलोचन, ये भी क्या है एक संत है, एक प्रसिद्ध वैष्णव आचार्य थे जो ज्ञान देव और नामदेव के गुरु। अब नामदेव ने अभी भी पढ़ा बच्चों, उनके गुरु थे त्रिलोचन। सधना, सधना ये भी क्या है एक संत थे, एक उच्च कोटि के संत जो नामदेव के समकालीन माने जाते हैं। नामदेव जो महाराष्ट्र के संत थे मराठी, उनके समकालीन, सेम एज का, जैसे कवि और रविदास सेम एज रहे वैसे। सैनु, सैनु मतलब बच्चों ये भी एक प्रसिद्ध संत है, आदि गुरु ग्रंथ साहिब में संग्रहित पद के आधार पर इन्हें रामानंद का समकालीन माना जाता है। रामानंद कौन, रैदास के गुरु, रामानंद गुरु ऑफ रैदास। तो यहाँ पर देते हैं सैनो, सैनो और रामानंद दोनों सेम एज के, रैदास से भी बढ़कर, उनसे भी पहले बढ़कर। रामानंद का समकालीन माना जाता है। हरिजी वो हरिजी से। नेक्स्ट सभी सरे, सब कुछ संभव हो सकता है भगवान से। तो ये बच्चों को टिप्पणियां और शब्दार्थ जो यहाँ पे आए पाठ के पीछे में। अब हम आते हैं कविता की। पद एक में अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, अब कैसे छूटे, छूटे मतलब छूटे छूटना यानी दूर होना हमसे। जैसे हम लोग कुछ आदतें होती हैं, जैसे बार बार हम टेलीविजन देखना है, कोई मूवी देखना, हमारे समय बर्बाद कर देना, तो हम लोग को आदत छूटती नहीं जल्दी से, तो उसे छोड़ना
किसी आदत को छोड़ देना। तो यहाँ पे क्या बताते हैं, अब कैसे छूटे, किस प्रकार में छोड़ दो ये आदत। राम नाम रट लागी, रट लगना तो आदत से लग गई है, रट लगना ही आदत से हो जाना। किसकी रट लगी है, रैदास को, प्रभु राम की, प्रभु राम की जो उनके भगवान है उनका हमेशा स्मरण करते हैं, उन्हें याद करते हैं दिन रात सुबह शाम। कभी ऐसा पल नहीं जाता कि रैदास ने अपने राम प्रभु को याद किया है, उनके नाम को याद किया है। एक प्रकार का रट लगी है, एक आदत से हो गई है, जिस प्रकार हमें आदत होती है उस प्रकार उन्हें एक आदत है कि भगवान को याद करें। हमारे आदतें अलग होते हैं, हम गप्पे मारते हैं, हम ऐसे बैठे बैठे समय बर्बाद करते हैं, लेकिन हम किसी भगवान का अगर अध्यक्षीन होते नहीं। तो यहाँ पे रैदास बताते हैं कि अब कैसे छूटे, अब मेरी आदत किस प्रकार छूट जाएगी जो मेरे अंदर राम नाम को याद करने के लगेंगे। तो यहाँ पे तुलना करते हैं कवि रैदास, क्या तुलना कर रहे हैं, प्रभु जी हे परमेश्वर हे भगवान तुम चंदन हो मैं पानी हूँ, हम पानी जाके अंग अंग बास समानी। चंदन सैंडलवुड जैसे कन्नड़ में हम लोग श्रीगंध कट्टी गई, मतलब श्रीगंध सैंडलवुड, तो उस लकड़ी हमेशा पूजा प्रार्थना में या लिंग का प्रयोग करते हैं, और शादी बारात में जैसे हल्दी टर्मरिक के साथ उसका क्या करते हैं पेस्ट बनाकर लेपन क्या करते थे बचपन के दिनों में मैंने देखा है। आजकल रेडीमेड आता है सब डेकोरेटिव मटेरियल, आप दुल्हन को चंदन वगैरह नहीं इसी ले आओ, उसका फिर अलग अलग से हिस्सा है, वो कोई मेकअप के लिए 10,000 रुपये लेता है, कोई 25,000, कोई 50,000 रुपये लेता है दुल्हन को सजाने के लिए, लेकिन वधु और वर को सजाने के बच्चों इस चंदन लकड़ी का प्रयोग करते थे लोग, पूजा उपासना में इसका प्रयोग करते हैं, और बहुत ही कीमती है, वैल्यू कर लकड़ी है, चोर भी इसको चोरी करते हैं, इससे चोर पकड़े भी जाते हैं और उन्हें सजा भी सुनाई जाती है। तो वे लकड़ी क्या बच्चों चंदन कहते हैं, चंदन जो बहुत ही खुशबूदार होती है, जिससे साबुन तरह तरह के क्रीम्स वगैरह और फिर परफ्यूम वगैरह, तो ढेर सारे प्रोडक्ट्स मिलते हैं इससे। मैसूर में पाए जाते हैं, कर्नाटक में बहुत सारे ढेर सारे चंदन लकड़ी पाए जाते हैं। तो चंदन हम पानी जाके अंग अंग बास समानी, जाके ने बच्चों जिसकी जाके से मतलब है जिसकी, ये ब्रज भाषा है, आजकल हम हिंदी में इसको जिसकी कहते हैं, यानी जिस प्रकार एक थाली में एक बर्तन में आप पानी रखो, उस पानी में क्या करो चंदन की लकड़ी को डुबे के रखो, मतलब उसके अंदर रख दो बच्चों घंटा दो घंटे या सुबह से शाम तक, फिर दोबारा उस लकड़ी को वहां से निकाल दो फिर हटा दो। तो अगर आप उस पानी को सुगंधित करोगे या फिर उसको देखोगे उसको परखोगे तो वे भी क्या है चंदन के लकड़ी जैसे ही सुगंधित हुआ होगा। तो मतलब प्रभु के संपर्क में आने से, यानी ईश्वर को हमेशा याद करने से, राम जी को हमेशा याद करने से मैं क्या हो गया हूँ, मैं सुगंधित हो गया हूँ, मेरा अंग अंग क्या हो गया बास समानी, मैं तुम्हारी भक्ति में डूब गया हूँ, ठीक है, मतलब तुलना कर रहे हैं। तो प्रभु को एक क्वेश्चन दो अंक के तीन अंक के चार अंक प्रश्न आएगा, कवि रैदास ने भगवान और अपने किस किस चीजों से तुलना की उसका उसको बताइए। तो यहाँ पे भगवान चंदन है और रैदास पानी है, जाके अंग अंग बास समानी। या बस दूसरी पंक्ति में प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा जैसे चित्तवत चंद चकोरा। या बच्चों यहाँ पे दो प्रकार क्या बताते हैं, यहाँ पे प्रभु जी तुम घन हो, घन यानी काले बादल, जैसे बारिश के मौसम में, अब वो बारिश के मौसम ही है, अब ढेर सारे बादल काले रहते हैं आसमान में, देखो देखो तो काले बादलों को देख कर या फिर बादलों का गरजना गड़गड़ाना, इस आवाज को देख कर क्या होता है जो वन में, यहाँ पे वन है वन का मतलब वन बन दिया ब्रजदास के वन में, वन जैसे कि उपवन, उपवन यानी गार्डन है जंगल आता है सर, कई सारे शब्द आते हैं फिर भी मैं कुछ बता रहा हूँ। जैसे बच्चों वन के अंदर मोर पक्षी होता है, मयूर भी है, मोर का स्त्री रूप हुआ यस मोर जी, बास मतलब सुगंध, सुगंध अभी अभी मैं देखा ना बास सुगंध, बच्चों बास मतलब है सुगंध खुशबू, वो
या फिर यहाँ वास है, पहले शब्द तो वास। जब कभी दिक्कत हो तो पूछ लो, वेरी गुड। तो यहाँ पे मोर जो पक्षी है बच्चों, जो वन में रहता है, जंगलों में रहता है, जब कभी बारिश की मौसम में काले बादल आसमान में छाते हैं तो वे बहुत खुश होता है, बहुत खुश होता है, इतना उमंगित होता है, इतना खुश होता है कि वे अपने पंखों को फैला कर क्या करता है, वह नाचना भी आरंभ करता है। क्यों? क्योंकि वे बहुत खुश होते हैं, ताकि वह उस बारिश में खुश होता है, फिर बाद में डूबता है उसके पानी में, डूबने के बाद फिर अपने पंखों को हिलाकर सारे पानी को बिखरा देता है, तो एक खुशी का माहौल छा जाता है। उसी प्रकार प्रभु जी, तुम जब दर्शन देते हो तो मैं क्या होता हूँ, मोर की तरह बहुत खुश होता हूँ, मैं उमंगित होता हूँ, मैं उल्लासित हो जाता हूँ। और एक उदाहरण बच्चों, जैसे चित्तवत चंद चकोर राम, चकोर बर्ड, ये भी पक्षी है, चकोर पक्षी, चकोर पक्षी लाइक तीतर की तरह दिखता है बच्चों में भी, लेकिन ये अक्सर इधर पाया नहीं जाता। तो लोग कहते हैं, कई लोग इसका वर्णन यह कहते हैं कि चकोर पक्षी जो है ना, वे रात भर चांद को निहारता रहता है, चंद्रमा को निहारते रहता है। तो यहाँ पे चांद है प्रभु जी, रविदास के प्रभु जी को चांद है, चकोर जो है ये स्वयं रविदास है, जिस प्रकार ये पक्षी उस प्रभु को चांद को निहारते रहता है। हे परमेश्वर, हे प्रभु, मैं भी तुम्हें देख रहा हूँ, दिन रात में देखता हूँ, तुम्हारे लिए मैं याद डूबा रहता हूँ, जैसे चित्तवत चंद चकोर, चंद यानी चंद चांद, चंद्र चांद या फिर आप चंद्रमा भी, चंद्र चंद्र, ठीक है। चकोर एक पक्षी बच्चों जो दिन रात चांद को देखता है, तो लोग इसके बारे में कहते हैं, बताते हैं इट इज अ नेशनल बर्ड ऑफ पाकिस्तान, जैसे आवर सीजन हिंदुस्तानियों क्या है, हाँ हमारा मोर है, ये क्या है, ये पाकिस्तानियों का राष्ट्रीय पक्षी है। तो इसकी मान्यता यह है कि लोग बताते हैं कि जैसे आग की चिंगारियां, फायर क्रैक्स, क्या बोलते हैं, चिंगारियां होती, चिंगारियां पटाक्ष नहीं, मतलब कीड़ी, कीड़ी आग की जो कीड़ी ऐसे इतनी वगैरह से गिरते हैं, तो ये पक्षियों से खा लेता है ऐसे बताते हैं। और कभी कभी वो रात में एक लाइटिंग का कीड़ा होता है, तो लाइट कीड़ा रात में जिसकी इसकी दीप तो भवरा उड़ते रहते, तो उसको भी ये खाता है, मतलब उसे लाइक करता है। क्यों ऐसे पूछा तो हो क्योंकि वे चांद के पार्ट्स हैं, चांद से कटे हुए गिरे हुए पार्ट्स हैं, पृथ्वी पे आए हैं, तो उसके प्रेम के कारण उसे खा लेता है, ऐसे कवियों की मान्यता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ऐसे बताते हैं ऐसे कुछ। तो चकोर पक्षी वे बच्चों जो चांद को निहारते रहता है, देखते रहता है, इसीलिए रविदास क्या बताते हैं, जिस प्रकार चकोर पक्षी और मयूर पक्षी बादल के आने से, चांद के आने से निहार करते, मैं भी क्या करता हूँ, मेरे प्रभु के लिए मैं हमेशा दिन रात निहार कर रहा हूँ। दूसरे पंक्ति में किसी भी प्रकार का शब्दार्थ आपको चाहिए तो मुझसे पूछ लो। घन यानी बच्चों बादल, वन यानी जंगल, मोर यानी आप जानते मयूर, जैसे जिस तरह चित्तवत देखते रहना, देखना चित्तवत यानी देखना, चंद चकोर चांद को चकोर पक्षी देखते। अब तीसरी पंक्ति बच्चों जो लंबे वाले हैं, अगर ऐसे देखें चौथी पंक्ति में, प्रभु जी तुम दीपक हम भाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती। प्रभु जी तुम क्या हो, तुम दीपक, दीपक यानी मिट्टी से बने वाले दीपक बच्चों, जो दिए होते हैं उसमें तेल डालकर हम क्या करते हैं, रुई की बत्ती डालकर हम जलाते हैं दीपावली वगैरह में, या फिर भगवान के सामने। आजकल वो दीपक कम हो गए हैं, वो प्रोडक्ट्स बंद हो गया है, लोग बेचारे बेरोजगार हो गए, जो मिट्टी के बर्तन बनाते थे, मिट्टी की मटकियां बनाते थे, अलग अलग तरह के चीजें बनाया करते थे, खिलौने वगैरह, वो सड़कों पे बैठे रहते हैं ऐसे ही घेरे हुए, कोई उन्हें पूछता तक नहीं। आजकल लाइटें, एक बटन लगाओ तो पूरा घर क्या हो गया, दीपों से चकमक हो गया, दिए लगाना कौन परिश्रम करेगा बेचारा, बत्तियों को बनाना, रुई लेकर बत्ती को बनाया करते थे लोग उस दौर में, तो उस बत्ती को लेकर आजकल महिलाओं के पास समय है नहीं, क्योंकि सब काम काज ही हो गए, घर जाकर कब बत्ती बनाए, कब दियो जाकर मार्केट से बाजार से ले आए, तेल डाले, कौन झंझट पड़ेगा, आप सीधे से बाजार में जाओ, पैकेट्स मिलते हैं 12 का एक पैकेट, मोमबत्ती का पूरा पेस्ट रहता है रेडीमेड, ये भी झंझट में चलते, फिर एक माला ले आओ तो लाइटिंग लगा दो तो वो भी हो गए। तो लेकिन मतलब पहले दौर में दिया हुआ था,
दीपक हुआ करते थे बच्चों, और उसके अंदर बत्ती मतलब कपड़े की बत्ती, रोई की बत्ती लगाकर जलाते थे उसे। जाकी ज्योति बरे दिन रात, जाकी जिसकी ज्योति, ज्योति मतलब दिया जो आग होता है, दिन रात जिस प्रकार एक दिया दिन रात जलते रहता है, मैं भी हे परमेश्वर हे प्रभु तुम्हारे भक्ति में लीन होकर डूब कर मैं क्या करता हूँ, दिन रात तुम्हें याद करते रहता हूँ, हे प्रभु हे राम हे परमेश्वर याद करते रहता हूँ दिन रात। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, कितना बचा 5 मिनट, ठीक है बच्चों केवल 5 मिनट बचा बच्चों, अगर किसी प्रकार के दिक्कत तो मुझसे पूछ लो, आगे हम हमारे अवधि को आगे बढ़ाएंगे कल की अवधि या फिर जब हमने आगे अवधि को भी। यस, इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन आस्क मी, ये ऑफ हो गया।